शॉट है। जी हाँ, लेकिन ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है ये टैप शॉट खेलना, इसमें भी अपनी स्किल लगती है और इसकी मास्टरी की हुई है, पीएचडी की हुई है हमारे पीपी सर राहुल भाई से। टैप शॉट यहां पर फेमस है, ये नल कभी बंद ही नहीं होता, टैप यानी नल। चलिए बॉलर मोनिल, मोनिल काफी अच्छी गेंद मोनिल की, जज्बा देखिए बैट्समैन का। और एक टैप शॉट लेकिन मिस द स्टंप्स, और ये शायद मौका हो सकता था। राहुल अच्छा रिस्पॉन्ड करते हुए, वाइड गेंद, क्या ये मैजिक बॉल है? मैजिक बॉल है, मैजिक बॉल पे वाइड, फ्री गिफ्ट, दो रन कंफर्म कर दिया इसे, विकेट नहीं मिलने वाला है। राहुल मजीठिया वहां पर है, वेरी सेफ शॉट्स खेल रहे हैं राहुल भाई यहां पर। ओहो हो, क्या रिफ्लेक्शन है ये जरूर कोई फुटबॉल का खिलाड़ी लग रहा है मुझे। जी हाँ, ये मोनिल फुटबॉल के कप्तान है। क्या कमिटमेंट दिखाई दे रहे हैं यहां पर, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस मैच का रोमांच बढ़ा दें। हर खिलाड़ी यहां पर मैच जीतना चाह रहा है। जज्बा देखिए, स्कोर है दो ओवर के बाद 8 रन। जी हां, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए, हम तो क्रिकेट के पुजारी हैं, हमें वर्ल्ड कप चाहिए। अच्छा शॉट और बढ़िया फील्डिंग वहां पर प्रवीण की। क्या गेंद डाल रहे हैं स्मिथ, ये नाम अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो हमारे स्मिथ अनम को सनम कहा जा सकता है। मैजिक बॉल लेकर आ रहे हैं सनम, मैजिक बॉल, और ओ क्या फील्डिंग है ये, बस मोनिल बस, एक लिमिट तक घबराहट होती है। दोनों तरफ मौके मिस हुए, कहीं लेस की प्रॉब्लम, कहीं रनिंग की प्रॉब्लम, बट अब नो प्रॉब्लम। जी हां, हमारे वीर योद्धास के धवल पांड्या के भाई हैं ये विशाल पांड्या, एक भाई राइटी है एक भाई लेफ्टी है, इरफान पठान यूसुफ पठान की याद दिला देता है ये जोड़ी। क्या गेंद डाल रहे हैं, क्या लाइन पकड़ के डाली है, पैर पकड़ के डाल रहे हैं, पैर हिलने नहीं दे रहे उनके, और तब तक गेंद पहुंच जाती है उन तक। कंफर्म गुड बॉलिंग, ओवर की समाप्ति, स्कोर है 11 रन। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 11, बजाने हैं 12।
पार्थ सिंघवी ओवर लेके आते हुए। पार्थ बढ़िया गैप में खेल दिया और ये डायरेक्ट हिट है, ये डायरेक्ट हिट है और अंपायर ने इसे, अंपायर्स रिव्यू है ये, क्लोज कॉल लगी अंपायर को और इसी लिए अंपायर ने इसे रिव्यू में कन्वर्ट किया है ताकि इंसाफ हो सके। सॉफ्ट डिसीजन क्या है अंपायर? नॉट आउट। एक बार फिर से दिखाया जाए, एक बार फिर से, डायरेक्ट थ्रो थी ऋतिक की है। वेट जब तक डिसीजन नहीं आता है, डिसीजन नहीं आता है। एक बार, जी हां, इस स्क्रीन के अलावा भी एक स्क्रीन और चल रही है अंदर। जी हाँ, ये कलेक्ट हुई है और काफी खूबसूरत थ्रो, क्या एंगल थ्रो है ये। वेट, फिर से अंपायर एक बार रीचेक कर रहे हैं इसे। वेरी क्लोज कॉल, स्टंप स्ट्रेट हो गए हैं। नॉट आउट इज द डिसीजन। ये पेंडुलम की तरह आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट चल रहा था और आखिरी फैसला कुछ अलग ही आया है। इस बीच ये मैच आगे बढ़ता हुआ, ना का कॉल और ओवर की समाप्ति। स्कोर है 13 रन, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13, न तेरा न मेरा, स्कोर है 13। चलिए
नए गेंदबाज 5.10 या 11 की हाइट रोचक वीरा। अभी तक 4 ओवर ये जोड़ी खेल चुकी है और विकेट एक भी नहीं जाने दिया है अभी तक। अटैकिंग बॉलिंग लेकिन उतनी अटैकिंग बैटिंग। आउट दे दिया गया है। रिव्यू बैटिंग साइड रिव्यू। क्लियर आउट। जबरदस्त फील्डिंग मोदी अंकल के लिए तालियां हो जाएं। रिव्यू लॉस्ट। अब कोई रिव्यू नहीं है बैटिंग साइड के पास। बैटिंग रिव्यू इज लॉस्ट। एक जबरदस्त फील्डिंग इन मोदी अंकल की तरफ से। उम्र सिर्फ एक नंबर है ये साबित करते हुए मोदी अंकल फ्लाइंग मोदी और उतना ही बढ़िया कलेक्शन रोहिन सांघवी का और बड़ा विकेट खाया इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए। मैजिक बॉल लेकर आ रहे हैं रोचक और दर्शन। बढ़िया गेंद सम्मानजनक तरीके से खेला उसे दर्शन मजीठिया ने। और एक क्या फील्डिंग सजाई है जहां पर खड़े रखा प्रवीण भाई को वहीं पर गेंद आई है। क्या फील्डिंग थी ये जबरदस्त फील्डिंग रोचक वीरा की। इतना बढ़िया हो कलेक्शन और रन आउट रिव्यू लिया गया है। फिर से रिव्यू। ये होलसेल में रिव्यू लिया जा रहा है एक ही ओवर में। ये दूसरा रिव्यू इस बार उसके पहले ओवर में रिव्यू। और ये जी हां सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाई जा रही है। डिसीशन यहां से ना दें बेहतर है। आप स्क्रीन की ओर जस्ट नजर लगाए रख सकते हैं। डिसीशन ना दें अंपायर को अपना काम करने दें। इस एंगल से कुछ क्लेरिफिकेशन। दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल है, अरे नहीं दूसरा कोई एंगल है नहीं है तो एम्पायर नॉट आउट देना है। हां तो वापस एक बार देखो, एक बार देखो। हां हां अगर मैं देख रहा हूं। अरे वो नेट एम्पायर नॉट आउट देने अंपायर अपना डिसीजन दे देवे। अगर वो उनको कंफर्म है कि ये नॉट आउट है या आउट है तो अपना डिसीजन दे देवे।
है या नहीं है, यह डिसीजन सिर्फ अंपायर का माना जाएगा। नॉट आउट और रिव्यू लॉस्ट। नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी ये, एक ही एक्शन में अपनी पीछे मुड़ने के पोज में उन्होंने एक ही हाथ से इतना फास्ट रनआउट जो लिया है उसके लिए बहुत बढ़िया, रोचक, वेरी एनर्जेटिक टीम। और क्या स्टंट्स करती है ये टीम। क्या शॉट है ये, क्या कड़क शॉट, और ये जबरदस्त फील्डिंग है। ये बंदा अपनी फील्डिंग से आज सभी को डराने आया है या सिखाने आया है। अगर यंगस्टर्स इस बंदे को देख रहे हैं तो फुल एनर्जी से भर जाएं। स्कोर 15 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15। काफी अच्छा ओवर रहा रोचक का, सिर्फ अभी तक एक ही विकेट का नुकसान गया है और 4 ओवर शेष हैं, पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश होगी। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं विशाल पांडे, अपनी नजर जमा ली है उन्होंने, आगे क्या करते हैं उसका मुजाहिरा आप देखने के लिए तैयार हो जाएं। प्रवीण नए बॉलर, नए बॉलर प्रवीण अपनी गेंद लेके आते हुए, देखिए सारी एनर्जी एक ही बॉल पे डाल दी तो इस बॉल पे फंबल हो गया। दूसरी गेंद, क्या कैच है ये, क्या कैच है ये, जबरदस्त कैच। ऋतिक रोशन जैसे स्टार, उन्होंने एक सिक्स मारकर आज मैच का रुख मोड़ा था और ये कैच पकड़कर अब इस मैच का रुख शायद उन्होंने मोड़ने की पूरी कोशिश की है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इतनी बड़ी स्टार स्टडेड टीम के अंदर अगर ऋतिक का औहदा देखा जाए तो छोटा है, लेकिन ये छोटा पैकेट भी बड़ा धमाका साबित होता हुआ। टैप शॉट है लेकिन लेट कॉल, इसलिए ना बोल दिया गया। जीत माओ नए बैट्समैन है, अच्छी बॉलिंग वहां पर प्रवीण की, कॉन्फिडेंट बॉलिंग। और ये ऊंचा शॉट, ओ अपनी हाइट से भी 3-3.5 फुट ऊपर तक कूदकर ये बंदा गेंद लपक लेता है। अरे इतना जोर से मत मारो। बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन, जबरदस्त फील्डिंग। और आपको क्रिकेट में और क्या क्या चाहिए, जो बेसिक्स क्रिकेट के होते हैं, जो टॉप लेवल के क्रिकेट के बेसिक्स होते हैं वो आपको सभी यहां पर दिखा रहे हैं। तक्षशिला जैगुआर्स जैसे नाम है, जैगुआर्स चीते जैसे ये खिलाड़ी हैं सब। स्कोर है 17 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17। 3 विकेट हो चुके हैं लेकिन विकेट से ज्यादा अब रन मायने रखते हैं।
मैजिक बॉल पे एक बड़ा नुकसान करते हुए टीम का रनआउट के रुख में और एक विकेट जाता हुआ माइनस तीन। पहले ही खड्डा इतना बड़ा हो रहा था और अब और उसमें धंसते जा रहे हैं हम। हमें कोई निकाल लीजिए, हमें कोई इन चीतों से हमें कोई बचाए। बढ़िया शॉट, जी हां, एक दहशत सी फैला दी है इस टीम ने फील्डिंग में, खूबसूरत फील्डिंग। और ये आउट, साथ ही हाथ बढ़ाना और विकेट ले जाना। क्या फील्डिंग है इस टीम की, क्या फील्डिंग है। जी हां, इस तरह की फील्डिंग देखने के बाद यहां का बच्चा बच्चा अगर एक एक परसेंट भी ले जाए तो वो चीता कहलाएगा आने वाले सालों में। यंगस्टर्स सीख लें कि किस तरह से बॉल पर नजर रखी जाती है और चांसेस अपनी ओर मोड़े जाते हैं। कोई मैच हारी या नहीं जीती नहीं जाती है, इरादे उसे हार और जीत में बदलते हैं। नए बैट्समैन डॉक्टर हर्षद आते ही उन्होंने कड़ाकेदार गोली दे दी सामने वाली टीम के लिए, एक इशारा कि तुम सबका इलाज तो मैं ही करूंगा, आ जाओ बच्चों। और ये ओवर की समाप्ति, स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन 16 स्वीट 16। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसे स्कोर को यहीं रहने दें, स्वीट 16। नए बल्लेबाज डॉक्टर हर्षद बहुत ही जॉली पर्सन है, वेरी लवली पर्सन और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर। और एक बात और अभी साझा मुझसे हुई है जो शायद मुझे पता थी बट मुझे याद नहीं आई कि यहां पर जो भी इंजरी ऑफिशियल इंजरी हो रही है उसके प्रोफेशनल डॉक्टर हर्षद ने एक फ्री सर्विस दी है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर सर्विसेज एंड अ वेरी गुड क्रिकेट यू आर गिविंग टू नीलकंठ किंगडम। 16 स्वीट 16। बढ़िया शॉट, दो रन। ये 8th ओवर की पहली गेंद डाली गई है और प्रदीप, जी हां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं ये प्रदीप सावंत। फुल टॉस बॉल, वाइड बॉल, जी नहीं, ये प्रदीप सावंत नहीं है, ये हमारे प्रदीप जैन हैं। मैजिक बॉल के लिए जुगाड़ लगाएंगे कि इस बॉल पे विकेट ले लें। और ये डॉक्टर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक प्रदीप भाई उनको दें। चलिए एक बार फिर, बढ़िया थ्रो फ्लाइंग मोदी का, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मोदी अंकल। और ये
स्कोर को बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट दे के आ रहे हैं डॉक्टर हर्षद आउट। और यहां पर एक और यंगस्टर जो छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब है, चेहरे पर आपको लगेगा कि ये क्या करने आए हैं, बट बहुत ही उम्दा बल्लेबाज हैं, ये स्कोरिंग शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट शॉट्स खेलते हैं, सिचुएशन से उनको कोई लेना देना नहीं। एनकेपीएल में आने वाले इयर्स के लिए एक अच्छा खिलाड़ी। देखिए कॉन्फिडेंट शॉट था, और अब ये मुश्किल होता जा रहा है इस सीएसके के लिए, इस दीवार को भेदना, इस किले को भेदना एक मुश्किल सी बात होती जा रही है। और 8 ओवर हो चुके हैं और स्कोर है 20 रन, यानी जहां पर 40 और 50 भी कम लग रहे हैं वहां पर अब 20 रन है। कोई बात नहीं, आखिरी ओवर है, विकेट्स हमारे पास हैं, और मैच का रुख अगर चेंज करना है तो पॉसिबल भी है। बढ़िया शॉट, मिसफील्ड, और ये अच्छा बैकअप जुगल हंसराज, नहीं सॉरी डांगी। बहुत ही बढ़िया ट्राई था ये, एक इस लेवल के बल्लेबाज के लिए इस तरह से बैट को फ्लैशिंग, ये देखिए मैजिक बॉल पे इजी सिंगल ले लिया उन्होंने। -3 तो हो ही सकता था, लेकिन अब पछता है क्या हुए, जब चिड़िया चिग गई खेत, अब तो बिंदास दौड़ते रहो, रन बनते हैं तो बनते हैं, नहीं बनते कोई बात नहीं, फाइट तो करना ही है बाद में। क्या गेंद डाल रहे हैं, जुप 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 निकल रही है गेंदे, आखिरी दो गेंदे, चलिए कन्वर्ट कीजिए। बढ़िया शॉट और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, स्कोर है, ट्वेंटी फाइव का टारगेट दिया गया है। चलो हेलो, जी 25 रन की दरकार है। और यहां पर यंगस्टर्स हमारे छोटे सितारे यहां पर आ गए हैं, उनके दोनों कप्तान का टॉस होने जा रहा है। क्या नाम है? एनके रॉयल किंग्स और एनके वॉरियर्स, और ये हैं हमारे आशीष भाई के सुपुत्र। 25 रन डिफेंड कर रहे हैं सीएसके को।
नए बल्लेबाज टारगेट 25 अच्छा शॉट, कारपेट शॉट मारा है अमित संघवी ने, मौका दिया है स्मिथ ने अमित को ऊपर आकर अपनी टीम के लिए कुछ करने का। यहां टॉस होने जा रहा है बच्चों का, नन्हे सितारों का ये टॉस, और टैप शॉट सेफ शॉट, टॉस जीता है एनके वॉरियर्स ने और उन्होंने बैटिंग का निर्णय लिया है। जी हां, दूसरी टीम डिफेंड करेगी ये बात तो पक्की है। बोल्ड, कुछ करने का मौका दिया था बट लिया नहीं मैंने, ये मेरी मर्जी है, चलिए कोई बात नहीं। The boss, बिंदास नडिंग ग्रुप, और यहां पर सभी स्पॉन्सर्स का स्वागत है अगर यहां पर वो आए हुए हैं इस मैच को देखने के लिए, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, तो सभी का मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बढ़िया शॉट, क्या ये चार होंगे? नहीं, अच्छा शॉट। जी हां, बिंदास नडिंग की ओर से प्राइज मनी डबल कर दिया गया है हर चौके और छक्कों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन, 6 रन हो चुके हैं, और राहुल भाई जानते हैं, कप्तान जानते हैं कि इस मुश्किल में तारणहार वही है, ओ तारणहारे निर्जर और प्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, सीएसके की दरकार राहुल मजीठिया। स्कोर इज 6, मैच इज नॉट फिक्स। बढ़िया डिफेंस, सम्मानजनक तरीके से रोचक ने इसे खेला है। ये देखिए टावर शॉट, और ना भी बोल दिया उन्होंने। इसे आईक्यू लेवल की रनिंग कहा जाएगा, ये आईक्यू लेवल के रन्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर कि भाई एक बार स्टंप तो तोड़ने दो, उसके बाद हम रन लेंगे। स्टंप टूटने के बाद सेफ साइड होकर इस रन को चुराया है पार्थ ने। और ये बल्लेबाज भी राहुल मजीठिया को सम्मानजनक तरीके से खेलता हुआ। बोल्ड, जी हां, ये तारणहार है, और ये साबित कर दिया उन्होंने कि राहुल मजीठिया एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, और उन्होंने यहां पर यह विकेट बड़ा चटकाया है टीम के। अब मैच थोड़ा सा गर्म हुआ है 8 रन के बाद।
सेकेंड विकेट ये गई है, बढ़िया गेंद और एक बार फिर से सम्मानजनक तरीके से इसे खेला है। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8। जी हाँ, मुझे जस्ट एक छोटी सी शिकायत मिली कि ओवर के बाद स्कोर नहीं बताया जा रहा है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस बढ़िया मैच का आनंद पूरी तरह से वो ले रहे हैं, ये इस बात का ये प्रूफ है कि मैच में वो बने हुए हैं। थैंक यू, आप तक स्कोर पहुँचा दिया जाएगा हर ओवर के बाद और इन मिड ओवर्स। ये छोटी सी चीज है जो आपने डिमांड की है, ये तो कभी भी पूरी हो जाएगी आपकी, और कुछ बड़ा मांगिए। सब चीज अवेलेबल है यहां पर। कहीं पे निगाहें, और ये एज लगकर उठता हुआ पार्थ का, निगाहें कहीं थी, निशाना कहीं था और विकेट आता हुआ, ये मैच थोड़ा और गर्म होता हुआ, संभावनाएं खुल रही हैं, आसमान खुला है, जमीन अपनी है। एनकेपीएल के जबरदस्त मैचों में ये भी एक मैच होगा शायद आज। 25 रन की दरकार, दो बड़े बल्लेबाज बाहर। जी हां, हमारे मारवाड़ी बनिए हैं, ये बड़े कंजूस हैं, रन भी नहीं दे रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। इस बंदे के पास फ्री कुछ भी नहीं है, पूरा जाम करके रखा हुआ, चक्का जाम करके रखा हुआ है, और फ्री अगर ये कुछ दे रहे हैं तो एक छोटी सी स्माइल जिसका कोई चार्जेस नहीं है। बढ़िया शॉट और हाथों में गेंद, रन नहीं इस गेंद पर भी, सभी चीज ब्लॉक्ड। और ये वही सिक्स मारने गए थे, निशाना कहीं गलत मार दिया और एक और विकेट का पतन। अगर ये स्कोर छोटा लग रहा हो तो अब ये मैच एक अच्छे मोड़ तक आ चुका है। तीन अच्छे विकेट यहां पर ले चुके हैं प्रदीप और राहुल भाई, अपनी टीम को मैच में बनाए रखा है। और सबसे बड़ी बात, इस बैठे हुए दर्शकों के लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग ये बॉलिंग लाइनअप है, नहीं तो ये होता है कि भाई 25 रन तो इजीली बन जाते हैं तो एक रोमांच खत्म हो जाता है। और फिर से एक बार अपनी सीट पर सभी को बांधे हुए हैं गेंदबाज प्रदीप। बढ़िया शॉट और वेट का कॉल है, तो वेट ही होगा, लेट नहीं होगा। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8, स्कोर इज 8, रिक्वायर्ड इज 17। मेडन ओवर दिया है इस कंजूस हमारे प्रदीप जैन ने, हमारे बढ़िया दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, हम कंजूसी साथ में ही करते हैं। नए गेंदबाज दर्शन, पहली गेंद पर ही कुछ इशारा, मैजिक बॉल दर्शन मजीठिया। स्कोर है 8, दो गेंदों के बाद स्कोर वहीं पर है और मैजिक बॉल लेकर आ रहे हैं दर्शन, कुछ वहां पर पैरों में
सम्मानजनक तरीके से खेला है इसे। स्मिथ अपने विकेट की अहमियत जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं। वेट 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 वेट, चार गेंदे वेट में चली गई और ये एक रन, कॉन्फिडेंट रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। बढ़िया ओवर दर्शन भाई का, चार ओवर कितना, चार ओवर 9 रन, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 और 16 रन की दरकार है। 5 ओवरों में 30 गेंदे 16 रन, लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि विकेट्स जो चाहिए थे वो एक बैलेंस यहां पर दिख रहा है, जो मैच को इवन मोड पर ले चुका है। एक बार फिर से प्रदीप जैन, क्या गेंद थी ये, क्या गेंद थी, सिर्फ स्टंप मिस कर गई। यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेग स्पिन करते हैं प्रदीप और इतनी बढ़िया लेग स्पिन करते हैं कि यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली है। मैजिक बॉल, टैप शॉट, सेफ शॉट और 2 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। ये मैच है हमारा, स्कोर है 11। क्या बढ़िया गैप है, स्वीप शॉट आप बड़े मैदानों पर देखने को मिलते हैं लेकिन यहां पर मोनिल आपको उसका भी मजा दे रहा है। बढ़िया फील्डिंग राहुल भाई की वहां पर, अच्छी गेंद, जी हां ये बढ़िया फील्डिंग ऋषभ की, यहां का बागा कहा जाता है उन्हें, जबरदस्त खिलाड़ी है ये, अपने रंग में जब होता है तो सिर्फ यही दिखाई देता है ऋषभ। स्कोर इज 12 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 और 13 रन की दरकार है। 4 ओवरों में मोनिल और स्मिथ इस जोड़ी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है वहां पर, 1 2 3 4 5 और अनिकेत गजरा भी वहां पर शामिल है उसमें, जो कुछ सीख के ही जाएंगे यहां से। जरा मैच को थोड़ा मूवमेंट में लाएं, स्पीड, फटाफट ये मैच कंप्लीट करें, समय की अपनी मर्यादा है, 25 मिनटों में आपको ये मैच पूरा करना है। पेनल्टी छोटी मोटी नहीं है, 5 रन की पेनल्टी है 4 ओवर में। फ्री गिफ्ट, नो बॉल, वेट इज द कॉल और बढ़िया फील्डिंग वहां पर चेतन भाई की तरफ से। छोटा चेतन, चलिए चेतन भाई, अच्छी गेंद चिराग की, चढ़ के डालो, चढ़ के डालो, मैजिक बॉल, मैजिक बॉल पे 1 रन और
जी हाँ, अगर बैटिंग साइड इसमें हर्डल होता तो ये रन नहीं दिया जाता। टैप शॉट गार्डन के अंदर, ये गेंद बार बार गार्डन घूमने चली जाती है। कोई है? कोई है? जी हाँ, ये यहां पर हमारे जिगर भाई रहते हैं, वही हैं। कोई नहीं है, दूसरा बॉल दिया जाए। जी हाँ, मैच स्टार्ट किया जाए, प्लीज लेट ना करें। बॉल दे दिया गया यहां पर, दूसरा। नेक्स्ट बॉल ले लें, चलिए नेक्स्ट बॉल ले लें। बॉल बहुत सारे हैं यहां पर, अब वो बॉल ढूंढने ना जाए, आप नेक्स्ट बॉल ले लें, बॉल आ जाएगा अपने आप। सर्विसेस अवेलेबल हैं, देखिए आ गया बॉल, और ये टैप शॉट में एक रन होने के बाद आखिरी गेंद है शायद इस ओवर की, और फिर से टैप शॉट। और अब ये मैच फिर से एक बार, जिसका पूरा व्यू क्लियर ही था, और क्लियरिटी की तरफ। स्कोर है 17 रन, छह ओवर, 17 हुआ यहां पर, 17 हुआ आपका, अगर 16 हुआ तो 17 कर दीजिए। आपका चेंज कर दीजिए, हमारे यहां तो 17 ही है। छह ओवर, 17 रन हो चुके हैं, और ये रावलपिंडी एक्सप्रेस एम ताराचंद सुपुत्र विनोद भाई के, कश्यप जैन, एक बॉल एक रन आता हुआ। और जरा पीछे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अब बातें ना करें और गेंद पर नजर रखें, क्योंकि ये गेंद कभी भी दूसरी गेंद लेकर आते हुए है कश्यप। बढ़िया गेंद, दो गेंद हो चुकी हैं, मैजिक बॉल आ रहा है, और क्या ये अपनी टीम के लिए एक मैजिक कर पाएंगे? डेड हो चुका है बॉल, और तीन गेंदों के बाद सेफली खेला इसे मोनिल ने, कोई रिस्क नहीं लिया, फुल टॉस बॉल थी हालांकि। अच्छी बॉलिंग कश्यप की, लाइन और लेंथ और स्पीड। उमरान मलिक नीलकंठ किंगडम के, जी हां, शोएब अख्तर अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस जाने जाते हैं तो यहां पर हमारे हिंदुस्तान के उमरान मलिक है, जो 155-165 के बीच की स्पीड की गेंद डालते हैं। ओ, क्या चकमा दिया इस छोटे से खिलाड़ी ने, ये लगभग विकेट ले चुके थे इसका, मोनिल का मेडन ओवर। एक रन आया इस ओवर में, स्कोर है 18। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18। 12 गेंदों में 7 रन की दरकार है, और एक बार फिर से वही गीत दोहराता हूं मैं, गीत वही गाता हूं, ओ तारण हारे निर्जर और प्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। राहुल मजीठिया, यस, इसे कहते हैं स्पिरिट। ये गेंद उनके पैंट को छूकर गई थी। ग्यारह गेंदे 7 रन।
नो इज द कॉल एंड राइट इज द कॉल। दो गेंदे मैजिक बॉल अब है, ये मैजिक कर पाते हैं कि, और ये मैजिक कर दिया है स्मिथ ने। दो रन आ गए हैं, पांच रन की दरकार है सिर्फ, नौ गेंदे पांच रन। काश हम क्लियर, एक रन चुरा लिया मोनिल ने, आ जा, चार रन की दरकार, गेंदे आठ। बढ़िया शॉट और ये दो रन के लिए नहीं, बहुत ही बढ़िया सटीक थ्रो जीत माऊ का वहां से। तीन रन की दरकार है अब, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर राहुल। देखिए बड़ी सूझबूझ से इस ओवर को खेल लिया है राहुल भाई, चाहते थे कि कुछ इस ओवर में बन जाए अपनी बात, लेकिन नहीं बनी, कोई बात नहीं। There is always a next morning to come. आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं मीत बाफना, he is not from जाफना, he is from India, मीत बाफना। जी हाँ, emerging खिलाड़ी तो काफी हैं यहाँ पर, लेकिन मीत बाफना, और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं अनिकेत गजरा, बड़े ही बढ़िया यंगस्टर्स में ये हैं, इतने बढ़िया ऑक्शंस में इन्हें सिलेक्ट किया गया है, तो जरूर इनमें कुछ बात है। टैप शॉट जिगर भाई, जिगर शॉट कहा जाना चाहिए इसे, क्योंकि गेंद जाती है जिगर भाई के घर में। नेक्स्ट बॉल आ गई है, प्लीज फील्ड सेट रहे, फील्ड में सेट रहे, टाइम कम है। बढ़िया फील्डिंग वहां पर चेतन भाई की, मैजिक बॉल, क्या यह ट्रैजिक बॉल साबित होगी? मैजिक बॉल, ओ लगभग विकेट ले लिया था इस बंदे ने और मैच खत्म होता हुआ। बढ़िया मैच यहां पर देखने को मिला आज, अगर हम कुछ और स्कोर कर पाते तो यहां पर शोर मचा जाते।